बच्चों की कस्टडी के लिए नवाजुद्दीन और आलिया के बीच में फाइट, लेकिन कोर्ट ने किसके पक्ष में सुनाया फैसला, चलिए जानते हैं। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच काफी टाइम से तनाव देखने को मिल रहा है। दोनों की लड़ाई घर से बाहर निकलकर पब्लिक में आ चुकी है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है, ये पूरी दुनिया जानती है। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने बच्चों की कस्टडी के लिए केस फाइल किया था, जिसको लेकर 3 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी एक्स वाइफ आलिया के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर हो रही सुनवाई खत्म हो चुकी है। कोर्ट ने अगले 45 दिनों तक बच्चों की कस्टडी को आलिया सिद्दीकी को दे दिया है। इस दौरान बच्चों को पढ़ाई के लिए दुबई वापस भेजा जाएगा, जहां जाके दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। 45 दिनों बाद कोर्ट फिर इस मामले की सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला आलिया सिद्दीकी के पक्ष में सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा बच्चों को दुबई वापस भेजा जाएगा। इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि आलिया सिद्दीकी का कहना है कि वो किस हक से बच्चों की कस्टडी को मांग रहे हैं, जबकि वो बच्चों से मुलाकात तक नहीं करते हैं। हाल ही में आलिया सिद्दीकी को कोर्ट से बाहर निकलते देखा गया अपने दोनों बच्चों के साथ, और इस दौरान आलिया मुस्कुराती नजर आई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो आलिया सिद्दीकी के पक्ष में सुनाया है। आलिया के वकील रिजवान सिद्दीकी का कहना है नवाज को अपने बच्चों से मिलने की मनाही नहीं है, वो जब चाहे अपने दुबई वाले घर पर आकर बच्चों से मुलाकात कर सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया की लड़ाई उस समय शुरू हुई थी जब आलिया ने नवाज की मां पर मारपीट का आरोप लगाया था। आलिया का कहना था कि नवाज के परिवार वाले उनका शोषण कर रहे हैं और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हैं। आलिया का ये भी कहना था कि नवाज से तलाक के बाद भी दोनों रिलेशनशिप में रहे थे और दूसरे बच्चे का जन्म भी तलाक के बाद ही हुआ था, लेकिन नवाज ने कभी भी उनकी इज्जत नहीं की। वही नवाज की मां ने आलिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरा बच्चा नवाज का न होकर किसी और का है। फिलहाल बच्चों की कस्टडी आलिया सिद्दीकी को मिली है। 45 दिनों बाद इस मामले में फिर से सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज़, मुंबई।